बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने आज का जो सेशन था गिलगित बल्तिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से, जो एक ऑल ओवर गिलगित के जितने भी गवर्नमेंट के इदारे हैं उनकी मदद से यह जो सेशन लगाया था, इसके अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें सीख ली। बेसिकली हम पाकिस्तान रेड क्रॉस एसोसिएशन का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इस तरह के सेशन में भी अपना किरदार अदा किया। पाकिस्तान रेड क्रॉस चूँकि स्कूल्स के अंदर बेसिकली काम कर रहा है, मुख्तलिफ सोसाइटी के अंदर काम कर रहा है, पूरे दुनिया के अंदर 199 ममालिक में ये काम कर रहा है। ये तंजीम यानी बग़ैर उसके रंग और नस्ल के उस पर काम कर रही है, तो ये एक अच्छी तंजीम है। और यहाँ पर आज हमने सीखा कि आपने किस तरह एस ओ पीज़ को फॉलो करना है, यानी जो सेकंड लेयर आ रही है कोविड-19 की पूरे दुनिया के अंदर, उसके लिए हमें तैयार किया गया। बेसिकली आज जो है जो सेशन है उसमें, तो यकीनन ये गिलगित बल्तिस्तान की एक मैं समझता हूँ बहुत बड़ी कामयाबी है जो लोकल गवर्नमेंट है उसकी, कि इस तरह जमा करना, स्टूडेंट्स में अवेयरनेस फैलाना कि वो किस तरह अपने माशरे के अंदर सोसाइटी के अंदर काम करें। तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। बेसिकली जो है मुख्तलिफ इदारे ये अक्सर काम कर रहे होते हैं कि लोगों में अवेयरनेस फैलाएँ। हमारे चूँकि गिलगित बल्तिस्तान एक हिजर्ड एरिया है, इसके अंदर बहुत सारे हिजर्ड्स हैं, रिस्क हैं। जैसे कि आप देखें, जो आज से तकरीबन कुछ दिन पहले वाकया पेश आया सिकरदू रोड के ऊपर, तो वो भी एक अफसोसनाक वाकया था। इस तरह के बहुत सारे आपसे मिसालें मिलेंगे कि हम लोग इस तरह रहते हैं कि ऊपर पहाड़ है नीचे दरिया, तो बीच में हम रहते हैं। गिलगित बल्तिस्तान के आवाम को मैं ये पैगाम देना चाहूँगा कि वो अवेयरनेस एक दूसरों में शौर जो है वो उजागर करें, मुख्तलिफ तंजीमों के ज़रिए उजागर करना चाहिए। इसको हम समझते हैं कि जो पाकिस्तान रेड क्रॉस एसोसिएशन का एक अहम किरदार रहा है, हर वक्त वो कोशिश में लगी रहती है कि स्कूल्स के अंदर, सोसाइटी के अंदर, हॉस्पिटल्स, यानी यहाँ तक जो पब्लिक होती है वहाँ पे जाके वो कोशिश करती है कि वो काम करे। मैं लोगों को ये मैसेज देना चाहूँगा, प्लीज़ आप इस कोविड को आप हल्का ना लें। ये वबा दोबारा से फैलने के चांसेस है, इसकी सेकंड लेयर आ रही है। आपने जो है आपने एस ओ पीज़ को फॉलो करना है, आपने मुख्तलिफ जैसे कि आम हिजर्ट्स की मैं बात करूँ तो हमारे जो आम घर में होता है एक ऐसी चीज़ होती है या अलमारी वगैरह जिसमें हम वैसे ही सामान रख देते हैं और वहाँ से गिर के जो हिजर्ट आता है तो वो हमारे लिए नुकसानदह होता है, वही चीज़ आके हमारी रिकॉर्ड बनती है। जैसे कि हमने एक अलमारी के ऊपर कोई सामान रखा है तो वो नीचे आके गिरती है तो दरवाज़ा बंद हो जाता है और हम वहाँ फंस जाते हैं जिलजिले के उसमें या मुख्तलिफ हिजर्ट्स में। तो इस तरह हमने फ़र्स्ट एड को हम घर में तैयार रखना चाहिए। हमें जो है फ़र्स्ट एड की सामान जो ज़रूरत बुनियादी ज़रूरत होती है वहाँ पे हम उसको हॉस्पिटल नहीं ले जा सकते हैं, तो उस वक्त फ़र्स्ट एड बहुत ही अहमियत का हामिल होता है। लेकिन मैं पाकिस्तान रेड क्रॉस एसोसिएशन का इंतहाई मशकूर हूँ कि उसने एक गिलगित बल्तिस्तान के अंदर ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं और काम कर रही है। जैसे कि यहाँ पर इनका स्टॉल लगा हुआ है, आज जो सेशन हुआ उसके अंदर उन लोगों ने स्टॉल लगाया। एक दफ़ा फिर आपका शुक्रिया अदा करता हूं।